हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरमा भट्टे। तो ये घर के भट्टे हैं, मैंने इसे धो लिया और बीच में से ऐसे काट दिया। ये 3 प्याज हैं, मीडियम साइज की, मीडियम नहीं बहुत ही छोटी हैं, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का और लहसुन ले लिया। अब हम इसको छील लेंगे, ये सारी चीजों को छील लेंगे और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। मैंने एक टमाटर ले लिया और इसको काट के मिक्सी में डाल दिया। ये 2 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्च है, 2 लौंग है, इसको भी हम मसाले में डाल देंगे। तो ये देखिए प्याज कट गई है, लहसुन भी छिल गए हैं और अदरक को भी छील के टुकड़ों में काट लिया है। अब ये सारी चीजें हम मिक्सी जार में डालेंगे। ये देखिए मैंने सारी ही चीज एक साथ डाल दिया है, अब मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। हमें भट्टे को ऐसे काटना है जैसे मैंने काटा है, वैसे ही आप काट लीजिए जिसमें इसमें मसाला भर सके। मैंने कुछ मसाले लिए हैं, 2 चम्मच बड़ा धनिया है, धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर है, और छोटी 1 आधी चम्मच हल्दी है, आधी से थोड़ी सी कम हल्दी है, और यह है थोड़ा सा गरम मसाला। ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है बैगन को फ्राई करने के लिए। तो चलिए अब थोड़ा ये गरम हो जाए ऑयल, फिर हम इसमें बैगन डालेंगे। ये देखिए मैंने बैगन सारी डाल दी है, आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें क्योंकि इसमें तेल उतर रहा है। तो देखिए फिर 1 से 2 मिनट बाद ये अच्छे से कुक हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने बैगन सारे ही निकाल लिए हैं, अब मैं सब्जी बघारना है अब मुझे। तो दोस्तों सब्जी बघारने के लिए सबसे पहले हमें 2-3 मेथी चाहिए, सॉरी 3-4-5 मेथी है, और 1 पिंच हींग है, और 3 पत्ते से बघारेंगे हम। चलिए फिर अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार ही इसमें नमक डालें, मैंने 1 चम्मच नमक डाला है इसमें, मिला लेंगे। अब हमें इसमें तब तक भूनना है इसको मसाले को जब तक इसमें से ऑयल ना छोड़ दे। मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है, इसको थोड़ा और भूनेंगे हम। तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसे बंद कर देंगे, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो गैस मैंने बंद कर दी है, अब हम इसे बैगन में इसे भरेंगे। ये देखिए हमें ऐसे भरना है, और अब हम सारे ही भट्टे ऐसे ही भर लेंगे। तो चलिए फिर भरते हैं। तो दोस्तों भट्टे मैंने भर दिए हैं, और अब हम इसमें गैस चालू कर देंगे तो ये थोड़ा सा और पकेगा। अब हम इसको मैंने मिला लिया है, अब इससे कि हमारे जो बैगन है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है जिससे कि हमारा मसाला चिपके ना, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा कप से भी थोड़ा सा कम पानी डाला है। दोस्तों अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं तो ये वाली रेसिपी जरूर बनाएं, इसी ट्रिक से आपके मेहमान आपकी तारीफ करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस सब्जी को आप रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है चावल के साथ स्पेशली मुझे। अब हमारी सब्जी हो चुकी है, अब हम इसमें लास्ट में धनिया डालेंगे। मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, मिला लेंगे। ये देखिए मैंने मिला लिया है, अब मैंने गैस इसे बंद कर देती हूँ और इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये तैयार है मैं भरमा बैगन की सब्जी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से लोगों में शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें।